नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका शिवम वर्मा। आइए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं, जहां मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मेरठ से मोहम्मद अफरीदी की रिपोर्ट। देखिए, थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के द्वारा एक कामयाबी हासिल की गई, जिसमें करीबन 95 बने अधबने तमंचे, पिस्टल के जो बॉडीज हैं और मस्कट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो वेपन्स हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। और 95 इस तरह के वेपन्स पुलिस ने बरामद किए हैं। जो अभियुक्त दो पकड़े गए, उनमें एक का नाम समीर उर्फ मेंढा के और एक नाम है सलीम पुत्र मोहम्मद उमर। ये दोनों लिसाड़ी गेट के रहने वाले हैं। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है। एक व्यक्ति समीर मेंढक पूर्व में 1,25,000 रुपये का इनामी भी रह चुका है, जिसमें 1,00,000 रुपये दिल्ली पुलिस के द्वारा और 25,000 मेरठ पुलिस के द्वारा इस पर घोषित रह चुका है। इसका एक बहुत बड़ा गैंग है। वो गैंग अभी जैसा कि पुलिस की नॉलेज है, वो बिहाइंड बार्स है। कुछ लोग दिल्ली में बंद हैं, कुछ कहीं और बंद हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग भी हैं जो फरार है। पुलिस उनके ऊपर अभी कार्रवाई कर रही है। पुलिस उनके नाम पता करके आगे की चेन को एस्टेब्लिश करते हुए कार्रवाई कर रही है। कितने का बेचते थे? देखिए, अभी इनके द्वारा बताया गया जो पिस्टल है वो 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में इनकी बेचने की कीमत बताई गई। तमंचा रफली 5,000 से 10,000 रुपए के बीच का बताया गया। चुनाव को लेकर के बनाए जा रहे थे? देखिए, इनके द्वारा यही बताया गया कि चुनाव से संबंधित भी कुछ चीज़ बताई गई है। बाकी इसके अलावा ये रेगुलर सप्लायर्स भी रह चुके हैं और कई जगह पर ये बिक्री भी कर चुके हैं। ट्रेनिंग भी ली थी इन्होंने। एक इनके द्वारा बताया गया है कि मुंगेर के कुछ लोग थे जिनके साथ इन्होंने सम्मिलित होते हुए मुंगेर में भी काम किया और फिर उसके बाद इन्होंने अपना काम स्वयं चालू किया।